जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक और प्रहार सामने आया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन ऐसा कि उन्नाव के डीएम देवेंद्र पांडे भी सस्पेंड कर दिए गए। फंड को लेकर के डीएम ने कई गलत फैसले लिए थे। उन्नाव के डीएम देवेंद्र पांडे सस्पेंड हुए हैं। तो डीएम ने कई गलत फैसले, नियमों को ताक पर रखकर के लिया। कॉम्पोजिट ग्रांट घोटाला मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार पर योगी का प्रहार जारी है। शासन की जांच में डीएम देवेंद्र पांडे दोषी पाए गए हैं। जौनपुर के फर्म को अधिकांश काम दिया गया था, बाजार दर से उच्च दर पर खरीदा गया था सामान। ये एक बड़ी कार्रवाई, नियमों को ताक पर रख करके, मापदंडों को ताक पर रख करके देवेंद्र पांडे ने भ्रष्टाचार किया था। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, एक और बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ में, देवेंद्र पांडे सस्पेंड। बिल्कुल, जब आप देखिए जो जीरो करप्शन की नीति है उसी पे आगे बढ़ते हुए एक बड़ी कार्यवाही कही जाएगी। जब उन्नाव के डीएम देवेंद्र कौर पांडे को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबन की उनकी संस्तुति की गई है, और स्कूल कंपोजिट ग्रांट जिसके तहत परिषदीय जो स्कूल हैं उनमें तमाम जो है विकास कार्य कराए जाते हैं, चाहे वो रंगाई पुताई से संबंधित हो, चाहे शौचालय के निर्माण, भवन निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, उसके अलावा स्वच्छता का संदेश भी लिखा जाता है। तो ये जो तमाम जो कार्य हैं वो कंपोजिट ग्रांट के तहत कराई जाती है, और मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी तकरीबन 550 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों के लिए वित्तीय ग्रांट जो जारी की गई है। और इसमें उन्नाव जिले को जो ग्रांट दी गई थी उसके तहत जो नियमानुसार जो अलग अलग जो फर्म है उसे बिडिंग कराई जानी चाहिए थी, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, और जो जो सबसे कम दरों पे जो बिडिंग करने वाली फर्म थी उसको आवंटन करना चाहिए था, टेंडर अवार्ड होना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके डीएम देवेंद्र कुमार पांडे ने जौनपुर की एक ही फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए, वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए लगातार जी सस्पेंड तो कर दिए गए हैं डीएम देवेंद्र पांडे। क्या इनके खिलाफ में किसी किस्म का और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा या किया गया है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ कमिश्नर मुकेश मेश्राम की रिपोर्ट के आधार पर शासन की तरफ से ये कार्यवाही की है। तो जाहिर सी बात है चूंकि ये शुरुआती कार्यवाही है, जब जांच रिपोर्ट जो है लखनऊ कमिश्नर की तरफ से सबमिट की गई है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में जो भी प्रगति होगी और शासन इसको गंभीरता से लेते हो, अगर इसमें किसी तहरीर अगर कोई दर्ज कराई जाती तो संभव है कि देवेंद्र कुमार पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चूंकि पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा है कि 29 दिन की अगर बात करें तो 41 से ज्यादा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है निलंबन की कार्यवाही या कंपलसरी रिटायरमेंट की कार्यवाही योगी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। तो एक तरह से बड़ा प्रहार कहा जाएगा, एक बड़ा प्रहार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम इससे, ताकि लोगों के सामने एक नजर भी बने।